सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल अवेयरनेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के। ये गाड़ी हमारे पास रिव्यू के लिए सुजुकी कल्टस 2003 मॉडल है, लाहौर की इसकी रजिस्ट्रेशन है और ये गाड़ी फॉर सेल है। सबसे पहले बात करते हैं इसके बम्पर की, तो इसका बम्पर हमें मिल रहा है नीट एंड क्लीन। उसके बाद ये इसकी हेडलाइट्स हैं, इनमें सारे इंडिकेटर हैं, क्रिस्टल हेडलाइट्स हैं, जेन्युइन हेडलाइट्स हैं। उसके बाद ये सुजुकी का एम्बलम प्लास्टिक ग्रिल इंस्टॉल है। अब बात करते हैं इसके बोनट की, तो इसका बोनट हमें लश कंडीशन में मिल रहा है, नीट एंड क्लीन। उसके बाद ये इसकी विंड स्क्रीन है जी, ये इसकी विंड स्क्रीन हमें मिल रही है जेन्युइन हालत में, कहीं से ब्रोकेज नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में। अब बात करते हैं इसके फ्रंट फाइंडर की, तो फ्रंट फाइंडर जो है हमें मिल रहा है नीट एंड क्लीन। उसके बाद इसके कवर जो है न्यू हालत में है, उसके ऊपर अलॉय व्हील्स इंस्टॉल है। ये इसका साइड मिरर और ये इसका ड्राइवर डोर, ये बैक साइड वाला डोर, इसका बैक कवर और अलाव व्हील्स, इसका बैक फाइंडर आप देख सकते हैं लश कंडीशन में। ये इसकी साइड विंडो, इसकी छत भी मैं आपको दिखा देता हूं, इसकी छत जो है टोटल जेन्युइन है। अगर मैं बात करूं इसकी बैक साइड की, तो बैक साइड से इसकी शेप जो है सिंपल है लेकिन काफी खूबसूरत है। यहां पर हमें पार्किंग लाइट्स मिल जाती हैं, साइड इंडिकेटर मिल जाते हैं, सुजुकी कल्टस 2003 मॉडल। उसके बाद इसमें डिफोगर इंस्टॉल है और ये सुजुकी का एम्बलम और इसका बैक साइड वाला बम्पर, ये लेफ्ट साइड से इसका फाइंडर, बैक फाइंडर नीट एंड क्लीन हमें मिल रहा है। उसके बाद इसका कवर आप देख सकते हैं काफी अच्छी हालत में है और उसके ऊपर अलाव व्हील्स और ये बैक साइड वाला डोर। ये लेफ्ट साइड वाला डोर नीट एंड क्लीन और ये इसका साइड मिरर, ये इसका फ्रंट फाइंडर। मकूल प्राइस है, वीडियो के लास्ट में इसके प्राइस भी मैं आपको बता दूंगा। ये इसका ड्राइवर डोर है जी, इसकी सील मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी सील कंपनी फिटेड है, ओरिजिनल है, अपनी जगह पर बैठी हुई है। उसके बाद यहाँ पर मैनुअल अप डाउन और ये स्टोरेज कंपार्टमेंट, ग्राउंड से मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये इसके स्पॉट वेल्ड आप देख सकते हैं जेन्युइन है, ओरिजिनल है, अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। दैट्स मीन ये गाड़ी अपनी ओरिजिनल हालत में है। उसके बाद ये इसका व्हील स्टेयरिंग, यहां पर इसके एयर वेल्ट्स और ये इसका डैशबोर्ड काफी अच्छी हालत में है, नीट एंड क्लीन। यहां पर ये कंसोल और ये इसका पैसेंजर साइड वाला लेफ्ट डोर काफी नीट एंड क्लीन है। इस गाड़ी के अंदर एसी इंस्टॉल है और काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। यहां पर ये इसकी मैनुअल ट्रांसमिशन और यहां पर भी स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाता है। उसके बाद ये इसका मीटर है जी, इसका मीटर जो है हमें बेसिक इंफॉर्मेशन देता है। इसमें स्पीडोमीटर है, माइलेज मीटर है, हीट की सुई है, फ्यूल की सुई है। गाड़ी लश कंडीशन में है, प्राइस भी इसकी मकबूल है। वीडियो के लास्ट में इसके प्राइस भी मैं आपको बता दूंगा। ये इसकी बैक साइड वाला डोर, यहाँ पर मैनुअल अप डाउन और ये इसका सीलर। सीलर इसका देख सकते हैं कंपनी फिटेड है, ओरिजिनल है, अपनी जगह पर बैठा हुआ है। दैट्स मीन ये गाड़ी राइट साइड से अपनी ओरिजिनल हालत में है। इसका ग्राउंड भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका ग्राउंड है। ये इसके स्पॉट वेल्ड आप देख सकते हैं, ओरिजिनल है, कंपनी फिटेड है। ये पैसेंजर साइड वाला डोर, यहां पर ये मैनुअल अप डाउन और ये स्टोरेज कंपार्टमेंट। उसके बाद ये इसका सीलर, ये सीलर इसका कंपनी फिटेड है, ओरिजिनल है, अपनी जगह पर बैठा हुआ है। दैट्स मीन ये गाड़ी लेफ्ट साइड से अपनी ओरिजिनल हालत में है। ये इसकी बैक साइड वाला चौथा डोर जी, इसमें ये इसमें मैनुअल अप डाउन। उसके बाद इसका सीलर भी मैं आपको दिखा देता हूं, ये इसका सीलर आप देख सकते हैं कंपनी फिटेड है, ओरिजिनल है, ये अपनी जगह पर बैठा हुआ है, आप वीडियो में देख सकते हैं। दैट्स मीन ये गाड़ी लेफ्ट साइड से अपनी ओरिजिनल हालत में। इस गाड़ी के अंदर सीएनजी और पेट्रोल ड्यूल सिस्टम है। इसकी परफॉर्मेंस जो है काफी अच्छी है। उसके बाद इसकी डिग्गी का सीलर मैं आपको दिखा देता हूं, ये इसकी डिग्गी का सीलर कंपनी फिटेड है, ओरिजिनल है, अपनी जगह पर बैठा हुआ है। दैट्स मीन ये गाड़ी बैक साइड से अपनी जेन्युइन हालत में है, ओरिजिनल हालत में है। ये इसके इंजन की हालत आप देख सकते हैं, काफी ठीक है। ये इसका सीलर मैं आपको दिखा देता हूं, ये इसका सीलर कंपनी फिटेड है, ओरिजिनल है, लेफ्ट और राइट साइड से ये गाड़ी ओरिजिनल है, अपनी सीलों पर है। उसके बाद इसका बात करते हैं इसके रेडिएटर कोर स्पोर्ट की, तो इसका जो रेडिएटर कोर स्पोर्ट है उसके ज्वाइंट अपनी जगह पर बैठे हुए। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो इसके आनर की डिमांड है 5 लाख रुपए, इसके आनर की डिमांड है 5 लाख रुपए। अगर किसी भाई को ये गाड़ी पसंद आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रابطہ कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।